भ्रूण विज्ञान के बाद आपका छठवां नंबर है जीवाश्म विज्ञान, जिसको एंटियोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म का अर्थ ही होता है जीवों का बचा खुचा अवशेष, जो प्राप्त किया गया। पहले आप देखे होंगे कि चट्टान वगैरह में ना जीवों का अवशेष प्राप्त किया गया, या फिर खुदाई वगैरह की जाती थी तो खुदाई करने के बाद कुछ जो अवशेष मिलता था बचा खुचा रूप, वही कहलाता है जीवाश्म। तो कुछ जीवों के जीवाश्म का रिकॉर्ड के द्वारा जो प्राप्त किया गया उससे क्रम विकास के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे है घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज, इसको बोलते हैं इओफिप्स। ये खरगोश के आकार का था, इसके अगले पैर में चार अंगुलियां थी और पिछले पैर में तीन अंगुलियां थी। कालांतर यानी समय के साथ इनके अंगुलियों में, इनके खोपड़ी में, इनके दांतों में अनेक परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों के बाद कुछ समय के बाद इसी से आधुनिक घोड़े की उत्पत्ति हुई। ये आपको जीवाश्म को देखने से पता चलता है, जीवाश्म के अध्ययन के बाद जीवाश्म के रिकॉर्ड के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो जीवाश्म विज्ञान जो है वह क्रम विकास का एक प्रमाण है। इसके बाद सातवां नंबर है आपका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं भौगोलिक वितरण। आप इसको भी नीचे क्लास में पढ़े होंगे बायोडायवर्सिटी में, कि कुछ जीव जो है अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसके जीवन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति, या आप उसको कहेंगे कि उसके लिए अनुकूलक है वह जलवायु, वह वातावरण, इसलिए वह उसी क्षेत्र में अपना विकास करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और भली भांति अपना जीवन यापन करता है। जंतुओं के वर्तमान वितरण की व्याख्या भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के आधार पर की जा सकती है, और इन परिवर्तन के कारण कुछ खास जगह में ही ये जीव जो है वह सीमित रह गए, या कुछ जंतु जो है वो पृथ्वी के विभिन्न भागों में फैल गए, जहां ये रूपांतरित होकर फिर उनमें ना उनकी आवश्यकता के साथ वातावरण से अनुकूलन के लिए उनमें कुछ रूपांतरण हो गया, और उन रूपांतरण से विभिन्नता उत्पन्न हुई और नई जातियों का निर्माण हो गया, नई जाति बन गई। उदाहरण के रूप में हमने दो तीन यहाँ उदाहरण आपको दर्शा दिया है कि हाथी और सिंह, ये भारत और अफ्रीका में मुख्य रूप से पाया जाता है। बाघ जो है वह अफ्रीका में नहीं पाया जाता, भारत में पाया जाता है। हिप्पोपोटामस है, जिराफ है, जेब्रा है, गोरिल्ला है, ये सब केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है, ये अन्य देश में नहीं पाया जाता। और कंगारू तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिच पक्षी है ये अरब क्षेत्र में और अफ्रीका में पाया जाता है, ये मुख्य रूप से इनका आवास माना जाता है। ये है आपका भौगोलिक वितरण, आपका क्रम विकास का प्रमाण हो गया।